अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इवश फातिमा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और कमेंट्स छोड़िए। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे गैस के बारे में। अक्सर बेटियां बहनें इससे बड़ी डिस्टर्ब हैं कि गैस क्यों होता है। आज हम इसको समझेंगे। अगर हमने समझ लिया गैस क्यों होता है, क्यों की वजह समझ ली, तो हम जो है गैस से छुटकारा पा सकेंगे। अब देखें, मिसाल के तौर पे हम खाने के लिए, हमें मैसेज आता है, कोई आवाज देता है कि खाना लग गया है, आप खा लें। तो जब खाना लाके आगे रखा जाता है, उसमें नान चने हो गए, उसमें मटन हो गया, बिरयानी हो गई, तो आंखें उसको देखती हैं। आपकी मेरी आंखें जब खाने को देखती हैं तो वो दिमाग को एक मैसेज छोड़ती हैं। मैसेज छोड़ती हैं तो दिमाग जो होता है, अगर तो वो पूरी तवज्जो इसकी तरफ दे के उसको हजम करने की जो सेक्रेशन होती है वो मेदे की तरफ पहुंचाता है। और मेदा जो है वो बड़ी सुकून से खाने को सलम करता है, खाने को यानी लेता है और उसको खुशी के साथ अपने अंदर जमा करता है। लेकिन हमें अगर आवाज दी जाए तो हमारे पास क्या है, ये मोबाइल है, हम मोबाइल में यूं लगे हुए हैं, किसी की कॉल है और खाना आगे आ गया, आंखें देख रही हैं कि ये खाना पड़ा है और दिमाग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, वो बिजी है अपने मोबाइल में, अपने या टीवी के आगे बिजी है या अपने दूसरे कामों में बिजी है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, उसका दिमाग इधर नहीं है। और वो खाने को लेता है, लुकमा तोड़ता है, मुंह में डालता है, लुकमा तोड़ता है, मुंह में डालता है, लुकमा तोड़ता है, मुंह में डालता है, और क्या होता है, खाना खत्म हो जाता है। यानी उसके आगे तीन चीजें आ रही हैं, बिरयानी आ रही है, मटन आ रहा है और नान चने आ रहे हैं, आंखें उसको मैसेज दे रही हैं, लेकिन वो बिजी प्रेजेंट नहीं है, बिजी है, मसरूफ है, इस वजह से उसकी कोई तवज्जो नहीं है दिमाग की। तो मेदे में वो हाजमे की जो है मवाद वो नहीं भेजेगा तो मेदा जो है वो जाहिर डिस्टर्ब होगा। मेदा फिर जब भर जाएगा वो दिमाग को मैसेज छोड़ेगा कि मैं भर गया हूँ, फुल हो गया हूँ। तो जो दिमाग है वो थोड़ी सी तवज्जो उधर आएगी, मेदा जब फुल हो जाएगा तो वो कहेगा किस चीज से भर गए हो, क्या खाया था मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मेदे से पूछेगा, मेदा कहेगा भाई मैं, मुझे तो नहीं पता क्या भरा गया है, मेरी तो आंख नहीं, आंख तो तुम्हारी, आंख तो दिमाग के पास है ना, आंख तो दिमाग की है, आंख देखेगी तो दिमाग को मैसेज देगी कि ये चीज सामने आई है, और फिर बंदे को उसकी जो है तलब होगी और पता होगा ये नेमते मेरे सामने आई है तो मैं इनको खा रहा हूं, इनके जायके ले रहा हूं, ये अल्लाह की नेमते हैं। अब जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो मेदे को जो हाजमे की थी, यानी उसने अपने दिमाग से उसको हजम करने की जो सर्कुलेशन छोड़नी थी वो नहीं छोड़ेगा, तो क्या छोड़ेगा। जब वो बेध्यानी में होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, मसरूफ बिजी होगा, तो वो जो उसमें जाएगी तो बताएं वो जो मेदा है जो उसमें खराब गई उसका क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैं कुरान पढ़ रही हूँ, ये अफजल किताब है, ये अल्लाह की किताब है, अब मैं इसका मतालिया कर रही हूँ, इस किताब का मतालिया कर रही हूँ। कोई भी बच्चा आप में से मेरे पास आता है, कोई बहन आती है मोहल्ले में से अपना कोई मसला डिस्कस करने, और वो मुझे सुनाती रहती है मैं तो अपना कुरान पढ़ रही हूँ, मैं तो पढ़े जा रही हूँ, मैं तो अपना कुरान पढ़े जा रही हूँ, यासीन बल कुरान अल हकीम नकल मिन मुरसलीन, मैं अपना कुरान पढ़ रही हूँ। तो वो बेचारा सुना के खड़ा खड़ा
इंतजार में मैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, वो इंतजार कर करके वो चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर सोचते हैं चलो अम्मी जान से मिल के आए, फिर आ जाते हैं वो और मैं फिर कुरान ही पढ़ रही होती, वो बेचारा फिर इंतजार कर करके वो फिर चला जाता है। अब तीसरे दिन बेचारा फिर आता है कि मैं ये मसले का हल पूछाऊं अम्मी जान के पास जाऊं, लेकिन मैं फिर कुरान पढ़ रही होती हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है, वो बेचारा फिर चला जाता है। बताओ कुरान तो अफसल किताब है, खैर की किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, अब मैं इसको पढ़े जा रही हूँ, वो अल्लाह का बंदा इंतजार करके चला जाता है, तीसरे दिन फिर आता है, फिर इंतजार करता है, तो बताओ उसको गुस्सा आएगा? बेशक मैं कुरान पढ़ रही हूँ, अच्छी किताब पढ़ रही हूँ, उसको गुस्सा आएगा? जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या था करना, ये अल्लाह की किताब है, हालांकि मैं नेकी कर रही हूं लेकिन मेरा अल्लाह भी नाराज हो रहा होगा, रसूल भी नाराज होगा, क्योंकि एक बंदा का बंदा चल के आया किसी मसले के बारे में पूछने के लिए और मैं अपना कुरान पढ़े जा रही हूं, मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या था कि मैं अल्लाह की रजा भी इसमें थी, रसूल की रजा भी इसमें थी, जब कोई आया मैं कुरान को बंद करके रखती फिर पढ़ लूंगी तो मैं उस पर तवज्जो देती। अब उस बंदे को तीन दिन लगातार चल के आ रहा है, एक दिन भी आया सफर करके आया है, तो वो इंतजार करके चला जाए अपनी सनातन में, उसका मसले का कोई हल ना बताऊं तो उसको गुस्सा आएगा, वो कहेगा ठहर जाए इस मल पे आने दे मैं मजा से खाना जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों जाहिर है गुस्सा आएगा, ये हर वक्त जब आज कुरानी पढ़े जा रही है, हम इतनी दूर से चल के आए हैं हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन सुन्नत का क्या हुक्म है? कुरान को कोई आया कुरान को बंद करके उसकी बात सुनो, उसका जो मसला है, जो भी आपसे वो कोई मशवरा करने आया है आप उसको बताओ तो वो खुश होके जाएगा। अगर आप अपनी ही नेकी में मगन रहोगे तो वो तो बेचारा इतनी दूर से चल के अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का रसूल भी नाराज और बंदा भी गुस्से में आएगा। इसी तरह रब ने आपकी मेरी बॉडी बनाई, दिमाग बनाया इसकी ड्यूटी लगा दी, आंखें बनाई इनकी ड्यूटी लगा दी, आपने कैसे करना है कैसे चलना है, जब अपने नफ्स के मुताबिक चलोगे अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा तैयबा मुबारकन फी। तो अल्लाह ताला ने मेदे की ड्यूटी लगा दी, आपने क्या करना है, टांगों की हाथों की पांव की हर अज़ू को अल्लाह ने समझा के पढ़ा के भेजा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हकीम लकमान ने इसी से कई मरीजों को ठीक किया। अब आप और मैं मोबाइल हाथ में या खाना खा रहे हैं, दिमाग बिजी है, आंखें देख रही हैं, दिमाग को मैसेज दे रही हैं, दिमाग ने जो हजमे की कैफियत छोड़नी थी क्योंकि दिमाग बिजी है, वो मेदे में नहीं गई। अब मेदा भर के भी बता रहा है तो वो दिमाग को पता ही नहीं कि मैंने क्या खाया है, क्या क्या चीजें आगे थी, खत्म हो गई, मेदा भर गया। अब आंखें तो दिमाग को मैसेज दे रही थी। तो मेरी अजीज बच्चों, अब अल्लाह कुरान पाक में भी फरमाते हैं ला इन शकर तुम ला आजी दन्नकुम, के तुम शुक्र करना छोड़ दो और मैं तुम्हें देना छोड़ दूंगा। शुक्र का मतलब समझना है, गैस की वजह क्यों होती है, क्यों को समझना है। जब क्यों का हल समझ लिया हमने तो उस पे अमल कर लिया तो आप और मैं बीमारी बहुत हद तक दूर चली जाएगी। तो मेरी प्यारी बच्चियों, ये मेदा ही डिस्टर्ब होता है तो पूरे बदन को बीमार करते हैं। अब जब हमने खाना खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतें देखो, बिरयानी आई, मटन आया, नान चने आए, रोटी आई, देखो अल्लाह ताला ने ये गोश्त बकरे का मेरे ऊपर बकरा कुर्बान हो गया, घास जो है वो बकरे पे कुर्बान होगी, बकरा उसको खा गया, इंसान को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया और इंसान पे ये जानवर हर चीज इंसान पे कुर्बान हो रही है। अल्लाह जमीन से कितनी चीजें उगा रहे हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल रखा। अब इंसान जब रहमान पे कुर्बान होगा तो फिर बात बनेगी। अगर इस खाने को खाएगा कि अल्लाह ने कितनी नेमतें मुझे दी, ये खाना मेरी जिंदगी है, ये खाना मेरी आंखों का नूर है,
ये खाना मेरे दिमाग की ताकत है, ये खाना मेरे मेदे की बदन मेदे में गजा जानी है, मेदे ने हजम करनी है, दिमाग उसकी तरफ तवज्जो देगा तो बताओ वो खाना खुश होगा या गुस्से में आएगा। वो खाना खुश होगा और खुश होके पूरे बदन को खून सप्लाई करेगा, फुजला जो जायद पानी है पेशाब है वो पेशाब के जरिए खारिज होगा और फुजला जो है वो मकद के जरिए खारिज हो जाएगा, अल्लाह ने निजाम बनाया। और सारा खाना जब खुशी से खाया जाएगा कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा गोश्त है, ये बूटी कितनी प्यारी है, ये चावल राइस वाइट है, ये बिरयानी बनी हुई है, कितनी इसमें चीजें अल्लाह की नेमतें डली हैं, कितनी प्यारी हैं, बड़ी मजे की है। शुक्र का मतलब सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं है, शुक्रिया का मतलब है तारीफ करना। अल्लाह तारीफ को पसंद फरमाते हैं कि खाना नेमतें तो हमारी आपकी जिंदगी है, ये हमारे आगे आई है, कितनी अल्लाह की नेमतें हैं, कैसे पकी कैसे तैयार हुई और कैसे हमारी गुजा बनी, कैसे जमीन से मट्टी से गंदम पौधे उगे गंदम लगी और फिर आटा बना फिर रोटी बनी, फिर अल्लाह ताला ने हमारे बदन की पूरी ताकत इस खाने में, जिंदगी ताकत हर चीज इस खाने में रख दी। अब इस खाने को आप और मैं तवज्जो से नहीं खाएंगे, मोबाइल हाथ में होगा, टीवी सामने चल रहा होगा और एक दूसरे को बुरा समझ रहे होंगे, मनफी सोच रख रहे होंगे, तो वो खाना क्या करेगा, पेटों को फैलाएगा, खाने को गुस्सा आएगा। जब खाना भर गया दिमाग को पता नहीं तो खाना गुस्से में आएगा, वो क्या करेगा, दिमाग उसको जो मवाद छोड़ेगा लाइलमी में वो उसको जलाएगा, ना कि उसको हजम करेगा, पूरे बदन की ताकत बनाएगा, उसको जला के उसमें से गैस पैदा करेगा। तो वो बंदे के अंदर गैस बनेगी, गैस की वजह को समझो कि हम खाना आगे है, हमें फिक्र है, हमने ये काम करना, हमने वो काम करना, हमने फलां का ये यानी देना है, ये लेना है, लेकिन खाना तवज्जो से खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। अब सब्जी हम बनाते हैं, गाजर मटर आलू, देखें गाजरें अल्लाह ताला कैसे मट्टी से निकलती हैं, बीज बोते हैं छोटा सा लेकिन रेड कलर होता है, आलू जमीन में बोते हैं एक छोटा सा, उससे कितने आलू बढ़ जाते हैं और उनका वाइट रंग होता है। अब आगे देखें, हम मटर है, जमीन से पौधा बनता है, फलियां लगती हैं और उसमें सब्ज रंग के मटर होते हैं, ये सारी चीजें सारे रंग जो कभी उतरते नहीं, पक्के रंग होते हैं, कौन दे रहा होता है रंग, इसको कोई तो ताकत है बना के हम तक पहुंचाने वाली, आपको मुझे बना के और दुनिया की हर नेमत के मजे चखाने वाली कोई तो जात है जो हमें कुछ हमसे चाह रही है। इस खाने के लिए तारीफ ला इन शकर तुम लाजी जन्नत, तुम तारीफ करना छोड़ दो मैं देना छोड़ दूंगा। अल्लाह आपको मुझे इन कुलियात को समझ के अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि खाना जिंदगी है, जिंदगी में उसको ताकत बनना है, ताकत बन के अल्लाह की फरमा बरदारी में लगना है। तो मेरे बच्चों आज हमारे नफ्स जो है अरूज पे है, नफ्स की गर्दन पे पांव रख के अल्लाह आपको मुझे ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, जब नेमते हमारे सामने आए हर चीज एक साइड पे हो जाए और खाना जो के हम खाने के लिए ना चाहिए कि हर चीज आई पेट में बस डालने की, लेकिन अल्लाह के बंदे एक नान खाते हैं, बंदे का बंदा पूरा दस्तरखान खाता है, तो हम जो नेमत आई है उसका शुक्र अदा करके अपने दिमाग के हाजिर रख के दिमाग को मेदे तक पहुंचाएं, इंशाअल्लाह लाजिम मेदे की बीमारियों से गैस से तजाबियत से आपको मुझे जो है नजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। وآخر الدعوانا إن الحمد لله رب العالمين.